हाय एवरीवन। सो अभी अभी क्लास दे के खत्म करके फ्री हुई हूँ। मतलब मैं क्लास नहीं देनी सी, बच्चा ने आज हमारा फाइनल डे था एंड मैंने उनको बताना था उनका काम कैसा लगा। मुझे मैंने बहुत बढ़िया लगा। मैंने हमेशा अच्छा लगता है, मेरे बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं प्राउडली बोल सकती हूँ। सो ये वीडियो है हमारे रीपरचेज प्रोडक्ट्स के ऊपर। इन्ने प्रोडक्ट्स हैं ना जो मैं रीपरचेज करती हूँ, मैंने हमेशा लिस्ट बनानी पैंती है कि मैं की दस है इस बार। सो इस बार होपफुली डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेकर आई हूँ जो मैंने पहले नहीं बताए। मैं पहले जाके नहीं देखा मैं की दस्या होया सीगा। सो एवरीथिंग गोइंग टू बी रियली रियली फेवरेट। जो मैंनू बहुत ज़्यादा पसंद है मैं वही चीज़ें तुम्हें रिकमेंड करांगी कि जाके रीपरचेज करो, क्योंकि मेरे हर टाइम ये वाले चीज़ें स्टॉक च रहनी है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो सबसे पहली चीज़ कंसीलर्स। अगर आप ड्रग स्टोर कंसीलर्स में जाके इन्वेस्ट करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो किस पे लें किस पे ना लें, ड्रग स्टोर नहीं बोलूँगी मैं, बजट फ्रेंडली बोलूँगी, बिकॉज दीज टू कंसीलर्स आर माई एब्सोल्यूट फेवरेट। ड्राई स्किन नॉर्मल टू ऑयली स्किन, दीज आर फ्रॉम फॉरएवर 52 एंड दे आर अमेजिंग। मतलब जिन्नी मैं तारीफ कराऊँ उन्नी घट है। और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं इन द मार्केट, बट अगर एक बार के लिए स्टार्टिंग में जाके इन्वेस्ट करना है इन्वेस्ट इन दीज, एंड उसके बाद मुझे लगता है आपको जल्दी किसी और चीज़ की इन्वेस्टमेंट नहीं पड़ेगी। हाँ, अपने आपू होर वधिया वधिया प्रोडक्ट्स के नाल तुसी कहिंदे ना अपने वैनिटी दे विच पाना चाहते हो, तो यार वो तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी भी नहीं खत्म हो सकता। सो इन दो कंसीलर्स पे जाके इन्वेस्ट करें। सो जो सेकंड प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगी, दैट इज पाउडर। गैस मैंने लगता कर लेता होगा, क्योंकि बहुत सारे वैनिटीज विच हो सकता है और बहुत सारे लोग इन इन्वेस्ट करने के बारे सोच रहे होंगे। सो मैं इसके कलर शेड्स भी बता देती हूँ जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सो दिस इज फ्रॉम हुडा, इट्स अ एब्सोल्यूट फेवरेट। जो मेरे पास सबसे ज़्यादा रनिंग चलता है दैट इज कपकेक। इट हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ पिंकी टिंट इन इट, बहुत अच्छा जाता है फॉर फेयर पीपल, मीडियम पीपल, बहुत बढ़िया। इसका एक और शेड है दैट इज बनाना ब्रेड, इट इज मोर टूवर्ड्स येलो। सो कोई डस्की की कॉम्प्लेक्शन की लड़की आ रही है तो लग जाएगा, या फिर मैं कहनी हाँ अगर कोई मतलब मैं थोड़ी जी मीडियम तो थोड़ी डार्क कुड़ी के ऊपर लगता है बनाना ब्रेड, अगर थोड़ी मीडियम दोनों मिक्स एंड मैच करके, दिस इज रियली गुड फॉर यू नो जिन स्किन इज ऑयली नॉर्मल कॉम्बिनेशन, उनके लिए तो एकदम बिंदास जाता है। तुसी जाके अच्छे इन्वेस्ट कर सकते हो। ये है इनकी पैकेजिंग और क्वांटिटी भी बहुत बढ़िया मिलती है, प्राइस भी बहुत सोहना है, वधिया महंगा ये कभी पीछे नहीं रह सकता। पीछे क्यों, हम आपके हम साथ साथ बैठे ही नहीं जा रहे, लत्ता दर्द हो रही है मेरी। फिर भी मैंने थोड़े वास्ते ना सिर्फ थोड़े वास्ते वीडियो बना रही पै रही है, क्योंकि सारे नु सुनना बहुत पसंद है मेरी फालतू दी गल्ला। अच्छा मैं प्रोडक्ट का दिखा नीचे रखो तो मैं तुम दस नहीं सकती कितने रीटेक्स लेनी होंगी। ओके सो नेक्स्ट जो है वो है एक लिक्विड लाइनर, जो कि बहुत सस्ता टिकाऊ बढ़िया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बजट फ्रेंडली। दिस इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी। इसके पास मेरे पास इसके ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, इसमें एक बहुत ही सुंदर सी शाइन है। ये प्राइस पे मैं बहुत ज़्यादा लगा रही हूँ जिनको कलर लाइनर चाहिए, और एक बार लग गया तो ये बिल्कुल भी नहीं हिलता, मतलब कि ट्रांसफर तो होता ही नहीं है। सो हम लोग कभी कभी क्या होता है पेंसिल लाइनर्स लगा देते हैं, अगर किसी की बहुत हुडेड आइज है तो ऊपर चिपक जाती है, इसमें वो वाली चीज़ नहीं आपको फेस करनी पड़ेगी। सो दिस इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी, इट्स माय एब्सोल्यूट फेवरेट। तो तलाना मेरा काम है, सुन दे रो। ओके सो नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी, ऑरेंज कलर का कंसीलर। अगर आपको एक बजट फ्रेंडली कंसीलर लेना है, आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, बिकॉज ऑरेंज कभी लगता है कभी नहीं लगता है, बिगनर्स और लाने पड़ना, ठीक है। सो दिस इज फ्रॉम एलेगल, इसकी हालत देख के पहचान सकते हो कि क्या कितनी बुरी की हुई है, मैं भी यही यूज़ करती हूँ, ठीक है। सो आप लोग प्लीज़ इस पे जाके इन्वेस्ट करें, ये बहुत ही परफेक्ट शेड है फॉर नॉर्मल, तो थोड़ा सा जिनका कॉम्प्लेक्शन हल्का सा डार्क है तो उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा बंदा फेयर होगा देन पिंक मतलब पीच सा कलर होता है ना वो लगा लेना। एंड ना मैं सामान जो लभ्या ना, मैं जो चेक किया कोई महंगा कोई सस्ता, मतलब कोई कॉम्बिनेशन नहीं हैगा, मतलब सारा कुछ रेंडम चल रहा है इस टाइम। आज तक भी हंसू क्यों अब आ गए, मैं वैसे बड़ी इरिटेशन होती है इदा चीज़ करने, बट इट्स ओके। ओके सो हो गया बहुत ज़्यादा फन। सो दिस इज शेड टू, इट्स अ ब्यूटिफुल ब्रॉन्जर फ्रॉम शार्लेट टिल्बरी। आप देख सकते हो इतना बड़ा पैन है और ये ऑलमोस्ट खाली हो गया है। इट्स एक्सपेंसिव बट वर्थ बाइंग। अगर आपको लगता है आपका क्लाइंट आप अच्छे पैसे पे कर रहा है, जाके इन्वेस्ट करो। अगर आपको लगता है कि हाँ ये इन्वेस्ट करके सोहनी सोहनी मैं मॉडल्स से लगा के उन्हें लुक बहुत ज़्यादा अच्छा इन्हेंस कर सकता, तो भी जाके इन्वेस्ट करो। इट्स अ ब्यूटिफुल ब्रॉन्जर,
आई थिंक अगर आपका लेवल एक अप हो चुका है ना, तो आपको और अच्छे प्रोडक्ट्स में जाके इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आपकी ये वाली इन्वेस्टमेंट कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। नेक्स्ट मैं लेकर आई हूँ फॉरएवर का हाइलाइटर। ये मैंने इतना ज्यादा हम लोगों ने यूज किया, कुछ कहने की हद नहीं, स्पेशली बॉडी पे भी, हाई पॉइंट्स पे। कभी कभी ऐसा होता है ना, कहीं पे शिमर लग ही नहीं पाता है, टीट होती है स्किन, जब भी लगाते हैं वो उड़ जाता है या फिर लॉन्ग लास्टिंग नहीं रह पाता, तो ये वाला हाइलाइटर बहुत बढ़िया जाता है। और मैं आपको हाथ पे भी हल्का सा लगा के दिखा देती हूँ, बेचारा बचा कुछ माल जो थोड़ा सा रह गया। ओके सो दिस इज द शेड, कलर बहुत सुंदर है, कलर नंबर देख लें दो एक सेकेंड में, मैं ये तो चेक ही नहीं करता हूँ ना। दिस इज 002 दिस वन। ये वाला प्रोडक्ट ना मैंने बहुत टाइम के बाद निकाला था, ये टूट गया था मेरे से, और फिर मैं दोबारा इस बार बच्चा ने बोला यार दोबारा कर दो यार, बोला इस बार मैं नया पैन भी मंगवा रही हूँ, बहुत ही बुरी कंडीशन है, तो देख के मजाक नहीं उड़ाना। सो ये है आईब्रोज के नीचे, अगर जब हमने हाईलाइट करना होता है अपनी ब्राउ बोन को, उसके लिए शेड इज नाइलन एंड दिस इज फ्रॉम मैक। ठीक है, आई थिंक 900 टू 1500 के राउंड मिल जाता होगा, मैंनु याद भी नहीं होने का प्राइस। सो दोबारा जो जाके बाय करूँगी तो पक्का मैंने प्राइस याद हो जाऊगा। ठीक है, वैसे मैं हमेशा की करती हूँ, मैं ना प्राइस नहीं देख दूँ, बाय कर लेनी है चीज़, मैं इधर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करती हूँ। सो इट्स अ ब्यूटीफुल शेड, मैं एक बार हाथ पे भी लगा के तुम दिखा देनी है ताकि तुम्हें पता चल जाए। और ये तब लगाना है जब आपको लगता है आपकी ब्राइट गोरी चिट्टी है या फिर मीडियम है, और स्पेशली रात का फंक्शन है, सवेरे सवेरे फंक्शन दे ला के ना आईब्रो बोन दे चिट्टे चिट्टा ना लगा के भेजना, नहीं तो कुड़ी चिट्टी चिट्टी लगेगी। ठीक है, हूँ मैं देखती हूँ अगला प्रोडक्ट क्या है। लेट मी जस्ट लास्ट में एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, हर साल जाके एक नए फ़ोन पे ना इन्वेस्ट करें, एक अच्छा सा आईफोन ले लें, एक बार लें, तीन साल चलाएं, दो साल चलाएं एटलीस्ट। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है, जिन्हें को आईफोन नहीं है ना जाके पहले बाय करो, टाइम नहीं देना, जाके पहले बाय करो और अपना वक्त अच्छा करो, बिकॉज अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो, अगर आपके पास आईफोन नहीं है कुछ नहीं हो सकता थोड़ा यार, कुछ भी नहीं, बस यार कितना सामान मेरे तो तुम रिव्यू कराओगे बस। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें लिखी होंगी और आप वो जाके बाय करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें अगर आपके पास ऑलरेडी वैनिटी में है कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि उन लोगों को भी ट्रस्ट हो जाए कि हाँ भाई ये वाली चीज़ में जाके इन्वेस्ट करो, ये बहुत अच्छी है। टिल देन लव यू ऑल, बाय, डू सब्सक्राइब, लाइक टू माई चैनल, जल्दी जल्दी लाखपति बनाओ, सॉरी लाख सब्सक्राइबर्स बनाओ।